सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुश मांडा अकेडमी में। और आपके लिए एक बार फिर से हम कुछ इम्पोर्टेंट जीके वाले क्वेश्चंस लाए हैं नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए। तो आप हमारे साथ साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें किस जर्मनी लग्जरी कार निर्माता ने मर्सिडीज फॉर्मूला वन मोटर टीम की हिस्सेदारी खरीदी? तो इसमें चार ऑप्शन है, पोर्स, टोयोटा और डैमलर। तो आपका इसका बी ऑप्शन है डैमलर। और ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? देखो, हिंदी मीडियम में काफी स्टूडेंट्स हमसे कहा कि भाई सर आप इस हमारी हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन बताइए। तो ऑप्टिक फाइबर पे सवाल है, इसका फोर ऑप्शन है आपका एंडोस्कोपी। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो चार ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका। हाँ, सही जवाब आ चुका है एथाइलीन। ठीक है, एथाइलीन का प्रयोग होता है, गैस वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है इसका। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, और कुछ अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो फोर ऑप्शन है इसके। तो तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है, कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंज पायरिन पैदा होते हैं, भोजक का पोषक तत्व कम हो जाता है, तेल की हानि और बर्बादी होती है। तो इसका है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव, एलिसा परीक्षण, ये तो सभी को आता है, आसान सवाल है एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए। और रिसर्पिन का प्रयोग किया जाता है उक्त रक्तचाप को कम करने के लिए, कम रक्तचाप को बढ़ाने के लिए और दर्द कम करने में, ऑर्थराइटिस में। ठीक है, तो आपका है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। विदेशी मुद्रा के स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन पर कौन सी दर लागू होती है? ब्याज दर, अविस्फीति दर और स्फीति दर और विनिमय दर। तो ये आपका है डी, विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर एट, पूंजी बाजार में देख रेख एवं नियंत्रण का कौन करता है? IRDA, RBI, SEBI और SBI। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका SEBI। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। किस द्रव के पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के ऊपर सवाल है, का कारण है? ठीक है, कोई भी लिक्विड है उसके अंदर जो सरफेस टेंशन होता है उसकी क्या वजह है? ए है अणुओं के मध्य असंजनशील बल, अणुओं के मध्य ससंजक बल, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल और अणुओं के मध्य विद्युत बल। तो हिंदी में बताने की कोशिश हमारी ये है कि काफी स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी, तो इसका बी है आपका, जो ना इनके बीच में ससंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10, एक संहत चक्री का कॉम्पैक्ट डिस्क CD सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? ठीक है, तो CD पर सवाल पूछा गया है, चुंबकीय है, प्रकाशिकीय है, विद्युतीय है, विद्युत यांत्रिकी है। बी जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब दे दिया है साबी ने, और प्रकाशीय। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो चार ऑप्शन है आपके, नमक को निरसित करना, सरकार की शक्ति कमजोर करना, जन साधारण को आर्थिक मदद देना और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो इसका है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, 1946 को राजसी भारतीय नौसेना जो है ना रिन म्यूटनी पर सवाल है, के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, मुरारजी देसाई और JB कृपलानी। तो इसका सी ऑप्शन है आपका, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 13, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया? तो आपके सामने फोर ऑप्शन है, तो ये आपका है मैकडोनाल्ड का जो था ना सांप्रदायिक निर्णय, जिसमें दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना, जो आपके पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, इन सभी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। तो गांधी जी ने जो है भूख हड़ताल कर दी थी और उसके बाद फिर पूना पैक्ट हुआ था, आपको याद होगा। और 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपनी नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट परिविधि का प्रयोग किसी भारतीय रियासत में किया? उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगी को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी? ठीक है, तो यहाँ प्रिंसली स्टेट में पूछा गया कि जो है ना प्रिंसली स्टेट में पहली बार। तो अब इसमें जो है ऑप्शंस देख लेते हैं हम आपके, तो मैसूर के KT भाष्यम, जयपुर में जमनालाल बजाज, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल,
ठीक है। तो और उसके अलावा आपका है सी है, डी है आपका धेनका लाल नब कोचरी पटेल। तो 14 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका है आपका बी ऑप्शन जमना लाल बजाज। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ओबरा ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? एक तेल शोधक है, रिफाइनरी है, या एक एल्यूमिनियम संयंत्र है, प्लांट है, और या आपकी बर्ड सेंचुरी है, या आपका थर्मल प्लांट है। तो आपका जो है ना ये थर्मल पावर प्लांट है आपका ओबरा। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, राज्य सरकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपका हैदराबाद। पंचतंत्र किसने लिखा? ये तो सभी को आता होगा, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला है आपका चितई मंदिर। चितई मंदिर कहाँ है? देखो नायब तहसीलदार वाले एग्जाम की हम बात कर रहे हैं और उसमें जीके वाला सेक्शन रखा हुआ है, तो उसमें बहुत ही जो है इसी तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हमने ली है और जिन पर हम अभी बात कर रहे हैं, आगे भी हमारी और वीडियोस भी आएंगी, और ये क्वेश्चन सब हमने अपनी टेस्ट सीरीज से लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर मिल जाएगी। तो चितई मंदिर पूछा है कहाँ पर है, तो ये आपका अल्मोड़ा में। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चोलास पे पूछा गया है क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इसमें तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन है, जैन बुद्ध शैव और वैष्णव। तो शैव धर्म। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ठीक है ना, आपने देखा हो ना ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाती है इंटरनेट के कनेक्शन के लिए, ठीक है, और फोनों के लिए भी। तो 21, तो इसका है आपका डी या डी ऑप्शन, टी एच महिमा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला के क्षेत्र में विख्यात है? परवीन सुल्ताना, टी एन कृष्णन, राज रवि वर्मा और राम किनकर। ठीक है, तो इसका राज रवि वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की दो भिन्न शाखाओं में नोबल पुरस्कार पाया है? रुसेल सेल्स, डेविड ली, मैडम क्यूरी और पॉल बोयर। तो 23 का जवाब भी आ चुका है, सबने सही जवाब दे दिया है, मैडम क्यूरी। कंपनी ऑफ वीमन के लेखक कौन है? कंपनी ऑफ वीमन के लेखक थे आपके खुशवंत सिंह। ठीक है, अब ये नहीं रहे, ठीक है, तो अब लेखक वैसे खुशवंत सिंह है इसके। ठीक है, अब ये जो है इनका पिछले साल देहांत हो गया था। तो अगला सवाल था आपका, 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में शासक गठबंधन ने सभी स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में जीते? तो क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका ऑप्शन है आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सेकंड गोलमेज सम्मेलन की बात है, तो अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और सरोजनी नायडू और कल्पना जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का है आपका सी। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा शुरू की? ठीक है ना, लैंड ग्रांट्स की बात है आपके, लैंड ग्रांट्स जो है ना दिए गए, भूमि अनुदान की बात है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये थे आपके सातवाहन। ठीक है, सातवाहनों का नाम आपने सुना होगा ना, पोतली पुत्र सातकर्णी वगैरह का, ये अपनी मदर्स का नाम अपने साथ लिखते थे। बाडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक मील का पत्थर था? क्वेश्चन नंबर 28, तो ये था आपका नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, आप मेरे साथ साथ जो है ना इसको जो है मेरे साथ साथ आप करते रहो। ठीक है, तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वैदिक गणित पर सवाल पूछा गया है, तो आपका शुल्ब सूत्र। और निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया? तो केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक। अच्छा सवाल है, तो है आपका वेस्ट बंगाल। 30 का है वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? सिरसा, अनंतनाग, करीमगंज और पुरुलिया। कोशिश कीजिए करने की मेरे साथ। ठीक है, हाँ, इसका सी जवाब है करीमगंज। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों में के वलित होने पर क्या बना? रोक हिमालय, रोकीज, एंडीज और एल्प्स। तो चार ऑप्शन है इसमें, तो आपका है डी ऑप्शन। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा गांधी सागर। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब
ठीक है ना, जो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है का क्या कारण है, पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण और या आपका पृथ्वी का असमान तापन। तो इसका आपका सी जवाब है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, तो ये आपके हैं चार, तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके सामने, बी ऑप्शन आएगा करेक्ट, मनमोहन भट्ट। प्रचालन अधिशेष कहाँ से उत्पन्न होता है, सरकारी क्षेत्र, निजी उपभोग हेतु, उत्पादन में, निर्वाह खेती में और उद्यम क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36 इसका डी ऑप्शन है, उद्यम क्षेत्र में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, देखो हम ये नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, उनकी उन्हीं के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नॉन टैरिफ व्यापार अवरोध क्या है, तो चार ऑप्शन है, नियतांश, स्वास्थ्य विनियमन और प्रदूषण मानक और नाम पत्रण डिब्बाबंदी विनियमन। तो नॉन टैरिफ बैरियर पूछा है, तो आपका ए ऑप्शन है आपका नियतांश। भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है, कुल क्षेत्रों में से किसकी अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है, गेहूं, चावल, गन्ना और कपास। क्वेश्चन नंबर 38, तो आपका बी चावल। निवेश किसके बराबर होता है, सभी प्रकार की वस्तु परक पूंजी परिसंपत्तियों का सकल योग, सभी पूंजी परिसंपत्तियों में से टूट फूट घटाने के बाद उनका सकल योग, संयंत्रों, यंत्रों और उपस्कर का स्टॉक उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका आपका है डी ऑप्शन है। तारापुर समिति की अनुशंसा थी कि पूंजी लेखे के परिवर्तनीय बनाने के लिए पूर्व 3 वर्ष के लिए स्फीति की दर को घटाने की सीमा होनी चाहिए, ठीक है, तारापुर कमेटी की बात आपने सुनी होगी। तो पूंजी लेखा क्या है आपका, कैपिटल अकाउंट को जो है ना, ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात है इसमें। तो ये आप देख रहे हो आपका ए बी सी डी चार ऑप्शन है, और जो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, 3 to 5%। तारापुर कमेटी का नाम सुना होगा ना आपने, 1994। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, राज्यपाल की, मुख्य न्यायाधीश की, उपराष्ट्रपति की और उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, तो आपका है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा के बाद, तो नेशनल इमरजेंसी की बात है, राष्ट्रीय आपात क्या आपका, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। तो घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 में और 6 में, ठीक है, तो आर्टिकल 352 की बात है यहाँ पर, तो 1 महीने में। अगर यही बात आपकी 356 और 360 के लिए होती तो 2 महीने का टाइम होता, ठीक है ना, 2 मंथ का। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए है। और भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के बारे में पूछा है संवैधानिक स्थिति, क्वेश्चन नंबर 43 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और अच्छा सवाल है। तो एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और एक था आपका प्रभुता संपन्न धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र और प्रभुता संपन्न धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, 43। तो 43 का जो है आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, तो प्रभुता संपन्न है आपका सोवर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवर्न डेमोक्रेटिक, सोवर्न डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, ये क्यों नहीं है, धर्म निरपेक्ष जो है ना, सेकुलर वर्ड बाद में जोड़े गए हैं 1976 में, ठीक है ना, ये सेकुलर वर्ड तब आया है, तो 1950 में जो हमारी स्थिति वो ये थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेलुगु के पत्ते का मुख्य उत्पादक है, देखो अभी एक SCS में सवाल भी इसी तरीके का ही पूछा गया था, उसमें भी कोई जो है ना क्रॉप पूछी गई थी और पूछा गया था कि उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो एक आध सवाल आपका ऐसा फिर से रिपीट हो सकता है, तो ये तेंदू पत्ता है आपका मध्य प्रदेश। तो किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 45, तो इसमें चार ऑप्शन है आपके, 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 मिनट में। बड़ा अच्छा सवाल है, बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है, मेरे साथ टिक करने की आप कोशिश करो, इसका सी ऑप्शन है। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है, इसका भी जवाब दीजिए, बड़ी ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है।
यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, और एक है आपका अमोनियम नाइट्रेट, और एक है कैल्शियम साइट्रेट। बिल्कुल ठीक जवाब दिया सबने, यूरिया इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, 47 की बात कर लेते हैं। और वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है, विघटनकारी? रेडियम काल, यूरेनियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण, ठीक है, ड्यूटेरियम काल निर्धारण। तो इसका है आपका कार्बन काल। C14 का नाम सुना होगा ना आपका, C14 टेक्निक, वो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। राज्य में बुजुर्गों की समस्याओं को देखने के लिए किस राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है? तो क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश। और उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी रिट को जारी करके किसी पदाधिकारी द्वारा ना किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। देखो रिट के ऊपर एक सवाल SCS में भी था, दोबारा से फिर रिपीट हो सकता है। नायब तहसीलदार वाले एग्जाम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका है मैंडेमस, परमादेश। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? मथुरा, मुंबई, बड़ोदरा, विशाखापट्टनम। आप बताइए क्या जवाब है इसका। ठीक है, बिल्कुल, ओके, स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है बड़ोदरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं, और हरियाणा नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए है। इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लो, और ज्यादा बेनिफिट आप चाहते हो तो आप हमारे नोट्स मंगा सकते हो, और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल आपकी आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, आप हमें कॉल कर सकते हो हमारी हेल्पलाइन पर। और इसके अलावा अभी हम जो है ना 13 अप्रैल से एक नायब स्पेशल बैच भी शुरू करवा रहे हैं, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, आपको हम जो है ना वो सब भी आपको हम यहाँ पर अरेंज करा कर देंगे। अगर आप आना चाहते हो तो 30 डेज का स्पेशल कोर्स है, आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि एक मौका है आपके आपके पास कि नायब निकालने का। एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, नायब तहसीलदार वाले एग्जाम में सिर्फ 100 क्वेश्चंस का गेम है, सिर्फ 100 क्वेश्चंस आपको जो है ना एक क्लास ऑफिसर बना सकता है। नहीं तो आपको पता है SSC आपका 3 बार खून पीता है, मतलब Tier 1, Tier 2, Tier 3, ठीक है ना। कहीं भी रह गए तो फिर अगले साल दोबारा से दो। तो 3 बार आपसे एग्जाम कराने के बाद फिर भी आपको जो है ना क्लर्क वाली जॉब देता है, यहाँ आपको गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट मिल सकती है। तो आप चूको मत, अपनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत दो, 100% दो, 100% दे दो अपना, बिल्कुल फुल मेहनत करो, ठीक है। तो ये मौका हाथ से ना जाए, बहुत मुश्किल, नहीं तो दोबारा ऐसा मौका मिलना मेरी मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल है कि 100 क्वेश्चन में आप जो है नायब तहसीलदार बनने जा रहे हो। धन्यवाद।